और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये नया टॉपिक आया है ये नई बुक में, लेकिन आपको याद होगा जब मैं पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज के टॉपिक की आप लोग हेडिंग लगा लें, हेडिंग लगेगी टॉपिक नंबर 1.4 मैटर एंड इट्स स्टेट। बच्चों व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, यानी जो भी चीज वजूद रखती है वो मैटर है। अब दुनिया में तो हर चीज वजूद रखती है, तो दुनिया में हर चीज मैटर से बनी हुई है, हम आप भी मैटर से मिलकर बने हैं, ये यूनिवर्स भी मैटर से मिलकर बना है। आप यूं समझ लीजिए कि मैटर वो चीज है जिससे कि ये यूनिवर्स मिलकर बना है। मैटर की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? बच्चों मैटर की साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी बच्चों जो भी चीज मास रखती है और वॉल्यूम रखती है वो मैटर कहलाती है। बच्चों मास क्या होता है? नहीं बेटा एटॉमिक नंबर चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, वो ये इसी चैप्टर में आ गया है वो। तो बच्चों मास क्या होती है? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। ताहा साहब स्क्रीन पे निशाना लगाइए, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। मैं आप बेटा पढ़ने के लिए आए हो या ये मजाक करने के लिए आए हो? डोंट डू दिस। व्हाट इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। जो भी बॉडी मैटर से मिलके बनती है उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ मास होती है। इसी तरह हर बॉडी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कुछ ना कुछ जगह घेरती है। कोई बॉडी जितनी जगह घेरती है वो उस बॉडी का वॉल्यूम होता है। जो भी चीज मैटर से बनती है उसकी मास भी होती है और उसका वॉल्यूम भी होता है। मैटर की एग्जाम्पल है हवा, एयर, वर्ल्ड, वाटर और दुनिया में जो भी चीज है वो सब सब मैटर है। बच्चों जी बच्चों समझ में आ रही है आपको बात? आर यू गेटिंग? मैटर समझ में आ गया सबको? तो अब मैं आपको मैटर की स्टेट पढ़ाऊंगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों मैटर की मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, कम से कम पांच स्टेट्स हैं, चार ये है, एक और स्टेट मैं आपको बताऊंगा अभी। मैटर की जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है और ये एनर्जी इन स्टेट्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही होती है। जी हसन ये कॉपी करना है या आपको भेजा जा चुका है, अभी सिर्फ समझना है। मिसाल के तौर पर बच्चों देखे, ये सबसे पहली स्टेट है सॉलिड। सॉलिड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर है लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है और गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? प्लाज्मा की, फिर उसके बाद गैस की, फिर उसके बाद लिक्विड की और फिर उसके बाद सॉलिड की। आप देखें कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? सॉलिड की। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? प्लाज्मा की। तो
ये जो कन्वर्जन हो रही है इसकी वजह क्या है, क्योंकि एनर्जी लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल्स का, तो मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लाज्मा में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले ये जुमला गौर से सुन लीजिए और इसको समझ लीजिए। द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी बच्चों मैटर की जो फोर स्टेट्स हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस होता है और ये एनर्जी डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाता है। There are four states of matter. पहली स्टेट को कहते हैं गैसियस स्टेट, दूसरी को लिक्विड स्टेट, तीसरी को सॉलिड स्टेट और चौथी को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इसके अलावा एक और स्टेट भी होती है जो हम आगे चल के पढ़ाएंगे आपको और इसका नाम है गोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस स्टेट की एनर्जी सॉलिड से भी कम होती है। ये स्टेट बोस एक इंडियन साइंटिस्ट और आइंस्टाइन एक इंग्लिश साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर ये डिस्कवर करी थी। ये पांच स्टेट्स होती है गैस लिक्विड सॉलिड। एक और स्टेट होती है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सूरज का नाम आपने सुना है सन। सन में जो मैटर है वो प्लाज्मा की शक्ल में होता है। इसको आयोनाइज स्टेट कहते हैं। जी स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को मैटर की कितनी स्टेट्स होती है। मैटर की कितनी स्टेट्स होती है? आए शाबाश। जी बेटा मैं बताता हूं आपको, दोबारा से बता देता हूं बेटा। बेटा एक पांचवी स्टेट भी होती है मैटर की जिसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है जमी हुई, फ्रीज। कंडेंसेट का मतलब क्या होता है? जमी हुई, फ्रीज। तो ये स्टेट जो होती है ये लो टेम्परेचर पर अचीव होती है। लो टेम्परेचर पर हर चीज जम जाती है। बच्चों अब आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का चार्ट। आपको याद है ये चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था लेकिन उस वक्त ये कोर्स में नहीं था, अब ये कोर्स में है। ये चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। अगर ये चार्ट आपने समझ लिया तो बच्चों केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। मैटर की क्लासिफिकेशन, बच्चों जो भी चीज दुनिया में मौजूद है वो मैटर कहलाती है। बच्चों मैटर दुनिया में दो शक्लों में पाया जाता है, पहली शक्ल को कहते हैं सब्सटेंस और दूसरी शक्ल को कहते हैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। बच्चों मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं एक्चुअली, लेकिन जो हमारी नई बुक आई है उसके अंदर उन्होंने इसका नाम दिया है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। आप देखिए मैंने आपको ये वाला चार्ट पढ़ाया था, याद कीजिए मैंने आपको बताया था मैटर दो तरह का होता है, सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस और दूसरी टाइप को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो आपकी बुक ने चार्ट जो बनाया है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। बेटा अब्दुल को बाद में समझाऊंगा, बेटा वो पूरे तीनों टॉपिक दोबारा से समझाऊंगा बाद में,
थोड़ा सा वेट कर लो बेटा एक आध दिन का। तो बच्चों पहले तुम अपने चार्ट से समझ लो बुक में जो है, और फिर जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है उससे समझना बेटा। तो बच्चों मैटर दुनिया में दो शक्लों में पाया जाता है। पहली शक्ल को कहते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? सब्सटेंस एक ऐसा प्योर मैटर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन डेफिनेट होती है, या जिसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट अंदाज में होते हैं। सब्सटेंस एक ऐसा प्योर मैटर है जिसके कॉम्पोनेंट्स एक ही टाइप के होते हैं, एक ही काइंड के होते हैं, और जो सब्सटेंस होता है वो होमोजीनस होता है। यानी सब्सटेंस ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक जैसा नजर आता है। जैसे आयरन की रॉड एक सब्सटेंस है, क्योंकि आयरन की रॉड ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक जैसी नजर आती है, और आयरन की रॉड की कंपोजिशन डेफिनेट होती है, और आयरन की रॉड एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलके बनती है। जो सब मैटर की दूसरी फॉर्म जो होती है वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होती है। इसकी कॉम्पोजिशन वेरिएबल होती है, यानी इम्प्योर सब्सटेंस। बेटा ये जो पढ़ाया जा रहा है वो आप याद भी समझिए, फिर बाद में बात करेंगे। बच्चों मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो फिजिकली सेपरेबल होता है, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो सब्सटेंस होता है उसके कंपोनेंट्स को हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल तरीके से। इसके लिए हमें केमिकल तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। बच्चों सब्सटेंस दुनिया में दो शक्ल में पाया जाता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। बच्चों एलिमेंट की एग्जांपल है आयरन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर। अब तक बच्चों 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। बच्चों एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड की एग्जांपल है वाटर, आयरन टू सल्फाइड, मीथेन, एल्यूमिनियम सिलिकेट और हजारों। बच्चों कंपाउंड केमिकली सेपरेबल होता है, कंपाउंड खुद एलिमेंट से मिलकर बनता है, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। तो अगर मैं कंपाउंड को ब्रेक करूं तो एलिमेंट हासिल होगा, और एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस है। इसी तरह बच्चों मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। बच्चों होमो का मतलब होता है सेम, वेट करना बच्चों कुछ लोग आए हैं मैं देखूं। ये टीएसएस साहब जो है बेटा ये अपना नाम लिखे, अपना रोल नंबर लिखे तो ऐड होंगे, इस तरह से ऐड नहीं होता। असल नाम से आइए अपने, जो आपका असल नाम है। बच्चों होमो का मतलब होता है सेम और हेटीरो का मतलब होता है डिफरेंट। होमोजीनस मिक्सचर वो होता है जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, और हेटेरोजीनस मिक्सचर जो होता है उसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। तो होमोजीनस मिक्सचर हमें बिल्कुल सब्सटेंस की तरह लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। होमोजीनस मिक्सचर में जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट। होमोजीनस मिक्सचर को सोल्यूशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है एयर, टेप वाटर, गोल्ड एलॉय। होमोजीनस मिक्सचर क्या है बच्चों? होमोजीनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट है वो आपको आंख से लेते नजर नहीं आएंगे, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे दो कंपोनेंट नहीं हो बल्कि एक ही कंपोनेंट हो।
लेकिन हकीकत है होमोजेनस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। जैसे एयर, हवा, हवा में हमें ऐसा लगता है जैसे हवा में एक ही कंपोनेंट है, हवा में बच्चों में ऐसा लगता है जैसे एक ही कंपोनेंट है, लेकिन हकीकतन क्या होता है कि हवा में एक कंपोनेंट नहीं होता, दो कंपोनेंट होते हैं मिनिमम, और भी कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट दो होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन स्मॉलर कंपोनेंट है और नाइट्रोजन लार्जर कंपोनेंट है। जो हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर बच्चों नॉन यूनिफॉर्म होता है और इसके डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। मतलब इसके डिस्टिंक्ट फेजेस से मुराद क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होते हैं और हमें वो आंख से नजर आते हैं। एग्जाम्पल है सोप, कंक्रीट, ग्रेनाइट, ये मुख्तलिफ जो है वो हेटेरोजीनस मिक्सचर है। हेटेरोजीनस मिक्सचर की एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे सैंड है, सैंड में आप नमक डालें तो सैंड के पार्टिकल अलग नजर आएंगे, नमक के पार्टिकल अलग नजर आएंगे। तो नमक और सैंड का ये मिक्सचर हेटेरोजीनस कहलाएगा। समझो ये थी हमारी मैटर की टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, सेम। बच्चों यहां तक कोई क्वेश्चन आपने पूछ रहे हैं, ये चार्ट मैंने आपको पढ़ाया जनाब, ये चार्ट जो है ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको इसका ओरिजिनल चार्ट पढ़ाऊंगा, सही वाला जो ज्यादा डिटेल्ड है। एनी क्वेश्चन प्लीज। अब आपको समझना शॉर्ट में यह है कि मैटर जो है वो दुनिया में थ्री फॉर्म्स में मिलता है। पहली फॉर्म है एलिमेंट, दूसरी फॉर्म है कंपाउंड और तीसरी फॉर्म है मिक्सचर। नहीं, यू डोंट हैव टू मेक दिस चार्ट, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। आइए फिर मैं आपको इस चार्ट को आगे की तरफ लेके चलता हूं और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको। तो बच्चों दुनिया में मैटर की दो फॉर्म्स होती हैं, सब्सटेंस विच इज आल्सो कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, दूसरी फॉर्म को कहते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर इम्प्योर सब्सटेंस बनाता है। प्योर सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है, एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। अब तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब जो नई बुक आई है उसमें 118 एलिमेंट लिखा हुआ है। नेचुरल एलिमेंट्स वो होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, टोटल 92 नेचुरल एलिमेंट्स, जबकि 92 के बाद जो एलिमेंट्स हैं या 93 से लेकर 118 तक, ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, यानी अनस्टेबल हैं। नेचुरल एलिमेंट्स दो तरह के हैं, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल।
मैटर्स जो है ये आपकी टोटल मेटल्स जो है वो 68 के करीब है, मेटलॉइड्स 8 है, नॉन मेटल 17 है, नॉन मेटल 17 है। एलिमेंट्स बच्चों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। बच्चों एलिमेंट एक लार्जर स्ट्रक्चर होता है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। एलिमेंट के छोटे पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, जबकि कंपाउंड के छोटे पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहते हैं। बच्चों इस पूरे चार्ट का ये हिस्सा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑन द स्क्रीन, ऑन द बोर्ड सॉरी। मैं जा रहा हूं ये चार्ट का हिस्सा आपको पढ़ाने ऑन द बोर्ड। अब आपको बहुत तवज्जो के साथ इस चार्ट को समझना है बच्चों। सो लुक एट द बोर्ड और गौर से देखिए। Just wait for a minute. और स्टूडेंट्स कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको चार्ट को अभी फिलहाल रहने देते हैं, कल इसको स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप यहीं पर देखिए। बच्चों मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स छोटे छोटे एक जैसे पार्टिकल से मिलके बनता है जिनको एटम कहते हैं। बच्चों एटम्स अगर सेम एटम आपस में कंबाइन हो जाए तो वो एलिमेंट बना लेते हैं, और अगर डिफरेंट एटम कंबाइन हो जाए तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। बच्चों मॉलिक्यूल एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेते हैं। सो कंपाउंड का स्मॉलर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो एलिमेंट जिस स्मॉलर स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है वो एटम कहलाएगा, और कंपाउंड जिस स्मॉलर स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगा वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन बच्चों ये जो चार्ट का हिस्सा है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि कुछ कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनते बल्कि वो आयन से मिलके बनते हैं। तो उनको वो किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। नीचे देखिए बच्चों एटम न्यूट्रल होता है, एटम इज न्यूट्रल। एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि एटम में जो पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं और जो नेगेटिव पार्टिकल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एटम पर चार्ज आ जाए तो उसको आयन कहते हैं। तो ऐसा एटम जिस पर चार्ज हो वो आयन कहलाता है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कहते हैं कैटायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे कहते हैं एन आयन।
बेटा टेस्ट पेपर कल सबमिट करा दीजिएगा कोचिंग में। कैट आई और एन आई आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर ये एक यूनिट बना लेते हैं विच इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। बच्चों कैट आइन और एन आइन अकेले अकेले नहीं होते, ये फौरन ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं, फौरन ही आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन हो गए बच्चों ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं फार्मूला यूनिट। बेटा आप नहीं लिखे नौमान साहब, या आप मजाक करने के लिए आ रहे हैं यहां पर? बच्चों कैटाइन और एनाइन आपस में कंबाइन होकर फार्मूला यूनिट बना लेते हैं, तो ये फार्मूला यूनिट फिर आपस में कंबाइन होकर ये फार्मूला यूनिट आपस में कंबाइन होकर बना लेते हैं कंपाउंड। सो कंपाउंड जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है, या तो वो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है या फिर फार्मूला यूनिट से मिलके बनता है। बच्चों मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटीरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बच्चों होमो का मतलब होता है सेम और हेटीरो का मतलब होता है डिफरेंट। बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो सेम एटम से मिलके बनता है और हेटीरो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जो डिफरेंट एटम से मिलके बनता है। बच्चों होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो या हेटीरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ये तीन तरह के होते हैं। पहली टाइप को कहते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी एग्जांपल है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और एक और होता है रेडॉन आरएन। दूसरी टाइप कहलाती है डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलकर बनते हैं, H2, F2, Cl2, Br2, I2, O2 और N2। ये बच्चों सात मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक है। इसके अलावा बच्चों जो एक और टाइप है उसे कहते हैं पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें तीन या तीन से ज्यादा एटम्स होते हैं। एग्जांपल है SH, S6, P4 और एक और एग्जांपल है O3। और बच्चों आखिर में आ जाए मिक्सचर के ऊपर, अभी मैंने मिक्सचर में आपको पढ़ाया था, मिक्सचर दो तरह का होता है बच्चों, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये था बच्चों हमारा कंप्लीट चार्ट। यहां तक आपको कोई सवाल करना है तो आप पूछ लीजिए, ये तो पेन नहीं चल रही, आप सवाल पूछ दीजिए बेटा, कोई भी बात इस चार्ट में आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा एनी क्वेश्चन? बेटा आयंस, आयंस एक ऐसा एटम होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है। बेटा मोनो एटॉमिक खास किस्म के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। असल में तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, ये एटम्स होते हैं लेकिन ये मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। देखो अमाल एक्चुअली कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बनता है,
लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखें तो कंपाउंड या तो मॉलिक्यूल से मिलके बनता है या फार्मूला यूनिट से। तो तुम जब ये कहते हो बेटा कि एलिमेंट कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बनता है या कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, तो ये दोनों जुमलों में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि एक जुमला आप मैक्रोस्कोपिक स्केल पे बोल रहे हो और दूसरा जुमला आप माइक्रोस्कोपिक स्केल पर बोल रहे हो। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो बेटा मैं एक दफा फिर आपको ये चार्ट समझाता हूँ, रिव्यू कराता हूँ और फिर यहीं पर मैं फिर क्लास को वाइंड अप करूंगा। देखिए ये चार्ट आपकी बुक में इतना सा दिया हुआ है और इसमें इतनी सारी गलतियां हैं। असल चार्ट ये है, छोटा कर दिया ताकि ये आप इसको एक ही जगह पर देख सके। तो देखिए बच्चों, मेटल दुनिया में टू फॉर्म्स में मिलता है, प्योर फॉर्म में या फिर इम्प्योर फॉर्म में। मेटल की प्योर फॉर्म को सब्सटेंस कहते हैं और इम्प्योर फॉर्म को इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस दो तरह का होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट दो तरह का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल एलिमेंट तीन तरह का होता है, मेटल, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड दो तरह का होता है, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक एटम कहलाता है, एलिमेंट की जो ब्रिक होती है वो एटम कहलाती है, और कंपाउंड की जो ब्रिक है या तो वो मॉलिक्यूल कहलाती है या फार्मूला यूनिट कहलाती है। एटम न्यूट्रल होता है और एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम पर अगर चार्ज आ जाए तो वो फिर आयन कहलाता है। तो आयन्स आर एटम विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। कैटायन और एनायन अकेले अकेले नहीं होते, बल्कि ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों कंबाइन होकर फार्मूला यूनिट बना लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस की एक एग्जाम्पल है मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनस और हेटेरोजीनस। इसी तरह मॉलिक्यूल भी दो तरह का होता है, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल तीन तरह का होता है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक। कल हम आपको पढ़ाएंगे सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, कल इसको डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर हमने आपको पढ़ा दिया है, याद होगा आपको। ये चार्ट ऑफ एलिमेंट है, ये आपको याद करना है, फिर एलिमेंट आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। फार्मूला यूनिट दोबारा सुने। फार्मूला यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। The combination of cation and anion is called formula unit. जी बेटा, केमिस्ट्री के नोट्स दोबारा मिलेंगे। एलिमेंट्स आपको 30 तक याद करने, कल आपसे ये सुना जाएगा चार्ट ऑफ एलिमेंट 30 तक।
Okay. So, any question? Please ask. Okay, students. तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। कोचिंग खुल गया है आज से, आप जाके सर शाहरुख से पूछ ले, वो आपको टाइम बता देंगे कब आपने जमा कराना। टेस्ट पेपर कब आपने जमा कराने वो आपको शाहरुख बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल आप चार्ट याद करके आइएगा। अल्लाह हाफिज़।